हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लच्छा पराठा। तो दो स्वाद में हम आज लच्छा पराठा बनाने जा रहे हैं। बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो अच्छे से लच्छा पराठा बनाने के लिए वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको ही हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसमें हम 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे हम गेहूं के आटे से लच्छा पराठा बना रहे हैं, आप चाहे तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें। नमक डालने से क्या होता है कि पराठे का जो टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा आता है। जैसे कई लोग होते नहीं डालते, बट अगर नमक डालेंगे तो जो उसका टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका हमें आटा तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा तैयार करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आटा हमें किस तरीके का चाहिए। तो देखिए, ये आटा हमने तैयार किया है, अच्छे से हमने इसमें गूंदी लगा ली है। तो आटा हमारा ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना हार्ड है, इसको हमने मीडियम रखा है। तो इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे। अब इसे हम ढककर 5 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। तो 5 मिनट में आटा हमारा सेट हो गया है। थोड़ा सही कर लेंगे इसको हाथों से। अब इसकी हम एक लोई लेंगे, थोड़ी बड़े साइज की लोई लेनी है हमें। तो अब हम लोई को लेंगे, इसको हमें बेलना है। सूखा आटा लगाएंगे इसमें और बेलेंगे। तो इसको हमने बेल लिया है, बहुत मोटा भी नहीं बेला है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब इसमें हम घी लगाएंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा आता है ज़्यादा, और जो लच्छे हैं वो भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। घी हमें इसमें अच्छे से ही लगाना है। सूखा आटा अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, पतले पतले हमें इसको फोल्ड करना है। एक बार अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, एक बार बाहर की साइड। तो देखिए, पूरा हमने इसको फोल्ड कर लिया है। जिस तरीके से बचपन में कागज का फैन बनाते थे, उसी तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। अब इसमें हम हल्का सा घी लगाएंगे, आटा डालेंगे सूखा। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, तरीके से हमें रोल कर लेना है। और जो लास्ट का इसका है, इसको हम इस तरीके से इसमें दबा देंगे। तो ये इस तरीके से रेडी हो गया है लच्छा पराठा बनाने के लिए। अब हम दूसरी लोई लेंगे और इसको भी हम बेल लेंगे। और ये हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको बनाएंगे। तो पहला पेड़ा हमने जो बनाया है लच्छा पराठा का, वो प्लेन था, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, इसको हमने बेल लिया है इस तरीके से, बड़ी रोटी के साइज़ में ही हमने इसको बेला है। अब इसमें हम घी लगाएंगे अच्छे से, थोड़ा सूखा आटा हम इसमें डालेंगे ऊपर से। अब थोड़ा सा हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे ऊपर से, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। ये 2 लहसुन की कली को हमने बारीक कट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो ये मसालेदार हम लच्छा पराठा बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपके ऑप्शनल है। जैसे नाश्ते में आपको बनाना है लच्छा पराठा, तो आप
चाहे तो प्लेन लच्छा पराठा भी बना सकते हैं और मसालेदार भी लच्छा पराठा बना सकते हैं, दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब फिर से हम इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे, सेम उसी तरीके से फिर से फोल्ड कर लेंगे इसको। तो इसको फोल्ड करने के बाद इसमें हम घी नहीं लगाएंगे ऊपर से, बस सिर्फ सूखा आटा हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको हमें फोल्ड कर लेना है सेम उसी तरीके से। तो देखिए ये भी हमारे लोई तैयार है। तो जैसे कि अगर आपको नाश्ते में लच्छा पराठा बनाना है तो आप इस तरीके से लोई बना के रख सकते हैं, पहले एक साथ बना लीजिए लोई को, फिर उसके बाद बेलते जाइए और पराठे को फ्राई करते जाइए। तब हम पराठे को बेलेंगे, तो इसको हमें हल्के हल्के हाथों से बेलना है जिससे कि इसके लच्छे खराब ना हो। तो इसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से हम इसको बेलते जाएंगे। तो देखिए पराठे को हमने बेल लिया है, इसी तरीके से दूसरा पराठा भी बेलेंगे। अब हमने गैस पर तवे को थोड़ा गर्म कर लिया है, तो पराठे को हम इसमें डालेंगे। पहले प्लेन पराठा हम सेकेंगे। गैस के फ्लेम को हमें लो मीडियम पे रखना है, लो मीडियम पे पहले हम पराठे को हल्का हल्का सेकेंगे। अब इसको हम पलटेंगे, तो पराठा हमारा हल्का सिक चुका है। अब इसमें हम घी लगाएंगे। अब घी, ऑयल, बटर कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब इसको हम पलटेंगे और दूसरी साइड भी हमें घी लगाना है। पराठे को हम पलटते हुए सेक लेंगे। तो देखिए पराठे को हमने सेक लिया है दोनों साइड से, कितने अच्छे से ये सेक चुका है और बहुत ही अच्छे से इसके लच्छे भी खिले हैं। तो दूसरा लच्छा पराठा भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे, मसाले वाला। इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। थोड़ा सेकने पर हम इसको पलटेंगे और उसी तरीके से घी लगाएंगे इसके ऊपर। पलटेंगे इसको, दूसरी साइड पे घी लगाएंगे और पलटते हुए ही इसको भी सेक लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो बहुत ही अच्छे ये लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। मतलब प्लेन पराठा हम बनाते हैं और लच्छा पराठा बनाए उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो ही जाता है। लच्छे पराठे का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, चाहे आप मसालेदार बनाए या फिर उसको बिना मसाले का बनाए। तो देखिए ये पराठे को भी हमने सेक लिया है दोनों साइड से अच्छे से, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है देख सकते हैं। तो इसमें हमने गार्लिक धनिया सब ऐड किया है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और लच्छे बहुत ही अच्छे से खिले हैं देख सकते हैं इसमें भी। तो लीजिए हमारे बहुत ही टेस्टी लच्छा पराठा रेडी हो चुके हैं, देख सकते कितने ज़्यादा लच्छेदार ये पराठे बने हैं, बहुत ही अच्छे लच्छे बने हैं इसमें देखिए। और इतने ज़्यादा लच्छेदार, इतने ज़्यादा क्रिस्पी है कि टूट रहे हैं। तो दोनों ही पराठे बहुत ही अच्छे लच्छेदार बने हैं, तो आप ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। इसे किसी भी दही चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यार से कमेंट हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।